कोई व्यक्ति अपना कोई एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है तो प्लीज करें। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत डीप फील हुआ है इस मेडिटेशन से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फेल्ट सो डीप। कौन बोल रहे हैं? मैम प्रिया बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके प्रिया जी, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सच में ऐसा फील हुआ कि पूरा ऑरा क्लीन और फुल प्रोटेक्ट हुआ है। इट वॉज लाइक अ मैनिफेस्टेशन, सब कुछ आंखों के सामने ऐसा लग रहा था सब सच हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी। यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। मैडम मैं शीतल, हाँ बताइए शीतल जी। बीच में मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया मोबाइल का, तो बीच में एक 5 मिनट के लिए कनेक्शन कट गया था समझो। फिर भी मैं वाइब्रेशंस फील कर पा रही थी, जो भी हीलिंग चल रही थी। जब अटूटमेंट था तब तक तो कनेक्शन था, पर बीच में अफर्मेशन देने से पहले ही समझो कट गया था। फिर 5 मिनट के बाद फिर से जब कनेक्शन स्थापित हुआ तब भी सेम टाइप का वाइब्रेशंस मैंने महसूस किया। अभी भी मुझे स्वेटिंग आ रहा है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। अच्छा पानी पी लीजिए, अब आप सब लोग पानी पी सकते हैं जो आपके ओके, थैंक यू पास मैम, थैंक यू सो मच। आई एम प्रीति, इट है। वाज सो नाइस, रियली गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, आई कैन फील इट, एंड इट वाज रियली रियली गुड मेडिटेशन। थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू इट वाज वेरी पावरफुल मेडिटेशन। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट श्रीमा जी बताइए आप। मैम हाँ जी हाँ देव की बोल रही हूँ। मुझे जहां जहां बोर्ड पेन है बैक में जहाँ टेलबो में, वहां पर तो मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे वहां से कुछ चल रहा है, और बहुत पूरे बॉडी में पता चल रहा था कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, गुड इतने गुड, वाइब्रेशन फील हो। अच्छी बात है। तो आपको ऐसे जहां कि जहां अब लगता है कि सारे प्रॉब्लम इश्यू जो है हेल्थ के वो निकल जाएंगे। हाँ ऐसे बिल्कुल, वाइब्रेशन मैंने आज तक फील नहीं किए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत आप बहुत करते जाइए कंटिन्यूशन में, मैं इसको भेज दूंगी आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली हमारा मॉर्निंग में 7 चक्र का मेडिटेशन चल रहा है, जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बताइए सीमा जी। एक्चुअली आज का मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चेयर के साथ मैं गोल गोल घूम रही हूँ, ये पहली बार ऐसा लगा था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब सेटल हो गए, और अच्छे इस बार वाइब्रेशंस भी फील हुए। वैसे मुझे मेडिटेशन से इतना फर्क पड़ता नहीं है, आज हुआ है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन वही बात है ना, आप जितना उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उसको समझेंगे, तो आपको उससे फर्क पड़ेगा। बस यही बात है, उसमें खो जाना पड़ता है तभी आपको उससे फर्क पड़ता है। अगर मैम आपका गौतम बोल रहा हूँ, माइंड चल रहा है तो फिर आप नहीं उसको नहीं महसूस नहीं कर पाए। मैम गौतम हूँ इधर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब अट्यूनमेंट हो रहा था तो हाथों में काफी ज्यादा हीट फील किया। ओवरऑल जनरली में हिलना डुलना लगा रहता है, लेकिन वो हिलना नहीं रहा, विच इज वेरी गुड। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अभी बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मीन्स अभी खत्म होने के बाद क्या फील कर रहे ऐसा हैं अभी खत्म होने के टायर्ड बाद? थका हुआ। थका हुआ भी कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाएंगे, आप सोएंगे, अच्छी नींद आएगी आपको। आप तो सुबह रेगुलर मेडिटेशन में आ रहे हैं, हाँ जी हाँ, आप सोइए, आपको अच्छा फील होगा। कोई बात नहीं, थैंक कई यू। बार क्या होता है, बॉडी एनर्जी आपकी जो भी निगेटिविटीज, कुछ जो भी होगा वो शरीर से बाहर निकलती है, तो हमें रिलैक्स मतलब नींद आती है। मतलब आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको नींद आ रही है, तो मतलब नींद आ रही है या एक थकान दर्द शरीर में ऐसे हो रहा है, या एक दर्द नहीं है पर लेटने का मन कर रहा है। हाँ वो नींद वाला ना, तो वो होता है, तो नॉर्मल है, अच्छी बात है, वो तो नींद आनी ही चाहिए।
बिकॉज नींद हमारे को अपने आप से हील करती है हमारे शरीर को, है ना। और थैंक यू। मुझे तो लगता है कि आप काफी काम करते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ नहीं, मैं मतलब रात को 1-2 बजे तक के बाद ही सोते हैं, फिर 5:30 बजे उठ जाता हूँ, हाँ फिर वही, उसके बाद मैं सो जाता आपको नींद की थोड़ी जरूरत, ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि आपको नींद की जरूरत भी है, हूँ। तो शायद यही एक वजह होगी कि वो चीज बाहर आई है और आपको नींद का फीलिंग हो रही है। थैंक यू। हाँ जी बताइए आभा जी। हाँ मैम, बहुत ही अच्छी मेडिटेशन थी, और जब आप अट्यूनमेंट दे रही थी तो पूरी सेंसेशन मेरी आर्म से लेके पूरा लेग्स तक बहुत देर तक वो वाइब्रेशन रही, मतलब इट वाज लाइक जैसे कुछ चीटियां नहीं घूमती बॉडी में, तो फुल बॉडी में वाइब्रेशन जा रही थी हैंड से लेके लेग्स तक। तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए। हेलो, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि ये जो डाइकोनियो वो मुझे पूरा ड्रॉ करना नहीं आता है, तो वो टू द एवरीडे प्रैक्टिस करो उसके लिए। हाँ जी, आप उसको एवरीडे प्रैक्टिस करें 108 टाइम, जैसे मैंने बोला एक नॉर्मल पेपर के ऊपर आप 108 टाइम उसको ड्रॉ करिए, तो वो हाँ ऑटोमेटिकली जी, सबकॉन्शियस अच्छा माइंड में आ जाएगा और आपको वो लर्न हो जाएगा। रेड पेन से हम उसको ड्रॉ करें, वैसे उसका हम जो कलर होता है गोल्डन कलर में हम उसको विजुलाइज करते हैं, पर आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप रेड पेन से उसको ड्रॉ करें। रेड पेंस, ओके, ब्लू थैंक पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन यू। हमारा मैनिफेस्टेशन का कलर होता है, इसलिए हम ज्यादातर रेड कलर को ही यूज करते ओके, थैंक यू सो मच। हैं।